वेलकम टू दवा इंडिया। आज हम इस वीडियो में आपको क्रॉस सेलिंग, अपसेलिंग एंड डिस्पेंसिंग मॉड्यूल्स के बारे में बताएंगे। सबसे पहले क्रॉस सेलिंग। क्रॉस सेलिंग क्या होता है? क्रॉस सेलिंग यानी जब कोई कस्टमर आता है तो एक चीज के अगेंस्ट में अपन कॉम्प्लीमेंट या सप्लीमेंट की कोई प्रोडक्ट देते हैं तो उसको हम क्रॉस सेलिंग कहते हैं। जैसे अगर कोई डायबिटीज की मेडिसिन लेने के लिए कोई कस्टमर आ रहा है तो उसको अगर हम लोग करेला जामुन जूस या जांबू बीज कैप्सूल या शुगर नील टेबलेट अगर एडिशनली देते हैं तो उसको हम क्रॉस सेलिंग कहते हैं। अप सेलिंग किसे कहा जाता है? अगर कोई कस्टमर एक चीज़ खरीदने आए हैं तो आप उसको अगर उसका पूरा पैकेज देते हो तो उसको हम अप सेलिंग कहते हैं। जैसे अगर कोई कस्टमर आया है वो शिकाकाई शैम्पू खरीदना चाहता है, उसको अगर हम शिकाकाई शैम्पू के साथ शिकाकाई कंडीशनर भी देते हैं तो उसको हम अप सेलिंग कहते हैं। यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो, जैसे कोई अगर शैम्पू खरीदने आया तो उसको हमने शैम्पू और कंडीशनर दोनों चीज़ अगर हम देते हैं तो उसको हम अप सेल कहते हैं। अगर कोई डायबिटीज़ की मेडिसिन खरीदने आया और उसको अगर हम करेला जामुन जूस या फिर शुगर नील टेबलेट देते हैं तो उसको हम क्रॉस सेलिंग कहते हैं। पहले हम लोग कुछ डिस्पेंसिंग के मॉड्यूल्स देखते हैं कि कौन सी कंडीशन में हमारे पास दवा इंडिया में कौन कौन से प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। जैसे अगर सर्दी की बात करें, कोल्ड की बात करें, तो एडल्ट में हमारे पास है दवा कोल्ड कफ टैबलेट एंड दवा लेट टैबलेट, ये दोनों में से कोई भी एक देना है। दूसरा कोल्ड रब या अमृतावेद बाम में से एक दे सकते हो, इनहेलर विद किचन दे सकते हो और स्टीमर दे सकते हो। दूसरी कंडीशन है ड्राई कफ या थ्रोट इन्फेक्शन। ड्राई कफ में हम दवा कोल्ड कफ टैबलेट दे सकते हैं, दवा टस डी सिरप अपने पास अवेलेबल है। इसके अलावा आयुर्वेदिक में हमारे पास महावेदा सिरप अवेलेबल है, तुलसी हनी कफ सिरप अवेलेबल है, सिल्क ऑफ कफ ड्रॉप्स अवेलेबल है, कोविडिन आयोडीन गार्गल या क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश में से एक दे सकते हो। वही अगर हम वेट कफ की बात करें तो वेट कफ में हमारे पास दवा कोल्ड कफ टैबलेट, दवा एम्ब्रो एलएस सिरप है, इसके साथ साथ सिल्क ऑफ एंड कफ ड्रॉप्स में से कोई एक दे सकते हो, तुलसी हनी सिरप या महावेदा सिरप में से कोई एक चीज दे सकते हो, कोविडिन आयोडीन गार्गल साथ में आप दे सकते हो। फिर अगर वही सर्दी अगर बच्चे में है, छोटे बच्चे के अंदर है, तो उसमें हम दवा कोल्ड डीएस सिरप दे सकते हैं, बेबी कोल्ड ड्रॉप दे सकते हैं, इनहेलर विद किचन दे सकते हैं। अगर कोई एसिडिटी की कंडीशन है तो एसिडिटी वाली कंडीशन में हम पेंटोप्राजोल 40 मिलीग्राम प्लस डोमपेरिडोन 30 मिलीग्राम सस्टेन रिलीज फॉर्म वाला कैप्सूल दे सकते हैं, उसके साथ दवा सीड सस्पेंशन दे सकते हैं। अगर एसिडिटी बहुत ही ज़्यादा सीवियर है और ऐसा फील हो रहा है कि वहाँ पे अल्सर हो गया है तो वहाँ पे आप सुक्रालफेट 1 ग्राम और ऑक्सीटाकिन 20 मिलीग्राम वाला सस्पेंशन दे सकते हो। इसके बाद है एंटी हेयर फॉल। अगर हेयर फॉल की कंडीशन है तो उस जगह पे आप बायोस दवा टैबलेट दे सकते हो, एंटी हेयर फॉल किट दे सकते हो, हेयर ऑयल ग्रीन टी मिनरल फ्री या फिर ब्रिंगराज हेयर ऑयल दे सकते हो, शैम्पू ग्रीन टी या शैम्पू कॉफ़ी में से एक दे सकते हो, कंडीशनर ग्रीन टी या कंडीशनर कॉफ़ी में से कोई भी एक आप दे सकते हो। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन, अगर कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन है तो वहाँ पे हम दवा लैक्स प्लस सस्पेंशन दे सकते हैं, लैक्टुलोज सॉल्यूशन दे सकते हैं या फिर दवा इंडिया मिल्क ऑफ मैग्नेशिया दे सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी एक आप सिरप दे सकते हो। इसके साथ साथ सपोर्टिंग ट्रीटमेंट में हम डाइजेस्टिव लिक्विड जूस दे सकते हैं जिससे डाइजेशन बेटर हो, डेली चूरण दे सकते हैं कोई भी फ्लेवर का, सत इसबगुल हस्क दे सकते हैं या तो फिर लेक्सेटिव पाउडर दे सकते हैं, कैस्टर ऑयल कैप्सूल या तो कैस्टर ऑयल प्लेन भी हम यहाँ पे दे सकते हैं। अगर नॉर्मल बॉडी पेन हो रहा है तो नॉर्मल बॉडी पेन कंडीशन में एसिक्लोफिनेक पैरासीटामोल दे सकते हो, डाइक्लोफिनेक या तो फिर डाइक्लोफिनेक पैरासीटामोल दे सकते हो, इसके साथ साथ कोला स्प्रे, कोला जेल या कोला मिर्ची जेल दे सकते हो। अगर हेडेक की कंडीशन है तो हेडेक की कंडीशन में एसिक्लोफिनेक पैरासीटामोल दे सकते हो, डाइक्लोफिनेक पैरासीटामोल दे सकते हो या फिर प्लेन पैरासीटामोल 650 दे सकते हो। इसके साथ साथ अमृतावेद बाम या जेड बाम या दवा शांति रोल ऑन भी दे सकते हो। अगर स्टमक पेन हो रहा है तो स्टमक पेन में दवा स्पास टेबलेट दे सकते हैं, पेंटोप्राजोल डोमपेरिडोन सस्टेन रिलीज कैप्सूल दे सकते हैं, त्रिफला जूस दे सकते हैं या दवा सीड जेल दे सकते हैं। नेक एंड बैक पेन, अगर मसल पेन हो रहा है तो उसमें हम एसिक्लोफिनेक थायोकोल्चिकोसाइड या तो फिर डाइक्लोफिनेक पैरासीटामोल क्लोरजॉक्साजोन, ये दोनों में से कोई भी एक टैबलेट दे सकते हैं।
पेंटाप्राजोल डोमपेरिडोन दे सकते हैं, साथ में कोला स्प्रे, कोला मिर्ची जेल, हर्बल पेन रिलीफ ऑयल या कोला जेल में से भी आप जो चाहिए वो दे सकते हो। फिर जॉइंट पेन, अगर जॉइंट पेन है तो वहाँ पे हम इटरकॉक्सिब विद पैरासीटामोल और इसके अलावा कोई भी आप पेन किलर दे सकते हो, जैसे एसिक्लोफिनेक पैरासीटामोल, डाइक्लोफिनेक पैरासीटामोल। इसके साथ साथ सपोर्टिंग ट्रीटमेंट में हम नी कैप दे सकते हैं, क्रैप बैंडेज दे सकते हैं, कोला जेल दे सकते हैं, हर्बल पेन रिलीफ ऑयल दे सकते हैं, कोला स्प्रे दे सकते हैं, जॉइंट केयर जूस दे सकते हैं, कोलास दवा या तो फिर एडवांस जॉइंट केयर टैबलेट में से एक दे सकते हैं, कैल्सीमोर टैबलेट दे सकते हैं। इसके बाद पेन विथ इन्फ्लामेशन यानी सूजन आ गई है, तो पेन विथ इन्फ्लामेशन वाली कंडीशन में हम एसिक्लोफिनेक पैरासीटामोल और सेरेसियोपेप्टिडेज का कॉम्बिनेशन दे सकते हैं, या तो फिर डाइक्लोफिनेक पैरासीटामोल या सेरेसियोपेप्टिडेज का कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। इसके अलावा साथ में हम कोला स्प्रे एंड कोला जेल दे सकते हैं। अगर माउथ अल्सर की कंडीशन है तो माउथ अल्सर में हम दवा कोबल प्लस कैप्सूल दे सकते हैं, दवा कॉम्प्लेक्स जेड कैप्सूल दे सकते हैं, साथ में माउथ अल्सर जेल दे सकते हैं जिससे पेन कम हो जाता है। अगर माउथ अल्सर की कंडीशन कॉन्स्टिपेशन की वजह से है तो जो भी ट्रीटमेंट हमने कॉन्स्टिपेशन में बताई है वो साथ में आप दे सकते हो। फिर वॉमिटिंग वाली कंडीशन में हम ओंडेंसेट्रोन 4 मिलीग्राम टैबलेट दे सकते हैं, साथ में रेबीप्राजोल डोमपेरिडोन सस्टेन रिलीज दे सकते हैं। अगर कोई बच्चे को वॉमिटिंग हो रही है तो उसमें ओंडेंसेट्रोन ड्रॉप्स 2 मिलीग्राम बच्चों के लिए है वो दे सकते हैं। इसके साथ सपोर्टिंग में हम ग्लूकोज सी पाउडर एंड ORS पाउडर दे सकते हैं। जनरल आई प्रॉब्लम, अगर नॉर्मल कुछ आई में प्रॉब्लम आ रहा है या ड्राई हो रही है ऐसा कुछ हो रहा है तो उसमें हम लुब्रिकेंट DS ड्रॉप्स दे सकते हैं, साथ में आई केयर कैप्सूल एंड ऑक्यू दवा कैप्सूल में से कोई भी एक प्रोडक्ट दे सकते हैं। वेट लॉस करने की कंडीशन में हमारे पास फैट बर्नर कैप्सूल अवेलेबल है, साथ में ग्रीन टी अवेलेबल है जो कप और जार दोनों फॉर्म में अवेलेबल है, साथ में स्लिमिंग लिक्विड जूस दे सकते हो। फीवर, अगर किसी फीवर की कंडीशन बन रही है तो वहाँ पे अगर बच्चा है तो बच्चे को हम पैरासीटामोल 250 मिलीग्राम सस्पेंशन दे सकते हैं, अगर एडल्ट है तो पैरासीटामोल 500, पैरासीटामोल 650 या फिर एसिक्लोफिनेक पैरासीटामोल एडल्ट के लिए दे सकते हैं, साथ में थर्मोमीटर दे सकते हैं जिससे वो फीवर को मेजर कर सके। पिगमेंटेशन ऑन फेस, अगर फेस पे पिगमेंटेशन है तो उसके लिए हमारे पास ग्लो टच की पूरी रेंज है जिसमें ग्लो टच क्रीम, ग्लो टच फेस वॉश और ग्लो टच फेस टोनर, ये तीनों प्रोडक्ट आप दे सकते हो और इसके साथ साथ दवा क्वीन प्लस क्रीम भी दे सकते हो। साथ में सपोर्टिव ट्रीटमेंट में दवा प्योर सिरप है जो ब्लड को प्योरिफिकेशन करके स्किन वाइटनिंग करता है। अगर एक्ने है तो एक्ने वाली कंडीशन में हम एक्नोबाई जेल या क्रीम दे सकते हैं, एक्नोबाई फेस वॉश दे सकते हैं, एक्नोबाई सोप दे सकते हैं। इसके साथ साथ सपोर्टिंग ट्रीटमेंट में विटामिन सी मास्क दे सकते हैं, दवा प्योर सिरप दे सकते हैं, आइसोट्रेटिनोइन कैप्सूल दे सकते हैं और एलोवेरा कैप्सूल दे सकते हैं। अब अगर डेंड्रफ की कंडीशन है तो डेंड्रफ की कंडीशन में हम कीटाकोनाजोल शैम्पू दे सकते हैं, एंटी डेंड्रफ किट दे सकते हैं, साथ में नीम एलोवेरा शैम्पू एंड नीम एलोवेरा कंडीशनर दे सकते हैं, न्यूट्रावेदिक हेयर ऑयल, आमला हेयर ऑयल और तुलसी हेयर ऑयल में से कोई भी एक हेयर ऑयल दे सकते हैं जो डेंड्रफ कंडीशन में अच्छी तरीके से काम करता है। ब्लडी वुंड यानी कोई ऐसा जख्म है जिसमें से ब्लड आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप सिफिक्सिम 200 दे सकते हो, एसिक्लोफिनेक पैरासीटामोल दे सकते हो, साथ में सपोर्टिंग में दवालोन लिक्विड जिससे वो वुंड को साफ किया जा सके, कॉटन एंड बैंडेज जिससे प्रॉपर तरीके से बैंडेज किया जा सके, दवामाइसिन क्रीम या फिर कोविडिन आयोडीन ऑइंटमेंट में से एक चीज दे सकते हो। फिर गैस एंड इंडाइजेशन, अगर गैस और इंडाइजेशन की कंडीशन है तो वहाँ पे हम पेंटोप्राजोल डोमपेरिडोन सस्टेन रिलीज दे सकते हैं, पुदीन प्योर वेज कैप्सूल दे सकते हैं जो सॉफ्ट जेल फॉर्म में है, इसके साथ लीवर एंजाइम सिरप दे सकते हैं एंड डेली चूर्ण दे सकते हैं। अगर कोई लीवर प्रॉब्लम हो रही है या एब्डोमिन पेन हो रहा है तो वहाँ पे आप लीवर से रिलेटेड प्रोडक्ट सिल दवा एल कैप्सूल दे सकते हो, पेंटोप्राजोल डोमपेरिडोन दे सकते हो या लीवर एंजाइम सिरप दे सकते हो। इसके साथ अगर कोई किडनी स्टोन का कंडीशन है तो किडनी स्टोन में हम दवा टोन सिरप एंड दवा टोन कैप्सूल्स दे सकते हैं, डाइसोडियम हाइड्रोजन साइट्रेट दे सकते हैं एंड एसिक्लोफिनेक पैरासीटामोल दे सकते हैं। पर यहाँ पे दवा टोन सिरप और कैप्सूल मिनिमम हमको 1 से 2 महीने की ट्रीटमेंट देनी है, क्योंकि उससे कम ट्रीटमेंट में किडनी स्टोन डिसॉल्व नहीं होगा, जिससे
कोई भी किसी भी तरीके का रिजल्ट नहीं मिलेगा अगर पेशेंट 10 दिन या 15 दिन की दवाई लेके जाता है। तो यहाँ पे हमें कम से कम उनको एक महीने की या दो महीने की ट्रीटमेंट की दवाई देनी है। फिर आते हैं हम वॉर्म्स पे। अगर कुछ वॉर्म्स की कंडीशन है तो अल्बेंडाजोल आइवरमेक्टिन का कॉम्बिनेशन अवेलेबल है, इसमें टैबलेट और सिरप फॉर्म दोनों अवेलेबल है। फिर टूथेक, अगर दांतों में पेन हो रहा है तो इसके लिए हमारे पास केटोरोलैक डीटी टैबलेट अवेलेबल है, डाइक्लोफिनेक, सेरोसोपेप्टिडेज और पैरासिटामोल अवेलेबल है, साथ में सॉफ्ट ब्रिशल टूथब्रश अवेलेबल है, और अगर सेंसिटिविटी है तो सेंसिटिव टूथपेस्ट भी अवेलेबल है। वेट गेन या एपेटाइजर, अगर वेट गेन करना है या एपेटाइट बढ़ानी है तो उसके लिए हमारे पास साइप्रो दवा सिरप है, जिंको दवा सिरप है, साथ में न्यूट्रामास प्रोटीन पाउडर है एंड एपेटाइजर जूस है। अगर फंगल और इचिंग वाली कंडीशन है, फंगल इन्फेक्शन में और इचिंग में हमारे पास लिवोसेट्रेजिन टैबलेट अवेलेबल है, इट्राकोनाजोल प्लस टर्बिनाफाइन कॉम्बिनेशन कैप्सूल अवेलेबल है, इट्राकोनाजोल प्लेन कैप्सूल्स अवेलेबल है, ये दोनों में से एक ही देना है, साथ में लुलिकोनाजोल क्रीम या लोशन में से कोई भी एक देना है, क्लोट्रिमाजोल पाउडर अवेलेबल है एंड कीटोसी सोप अवेलेबल है। अगर वीगर और वाइटालिटी बढ़ाने के लिए अगर कोई प्रोडक्ट चाहिए तो हमारे पास टेडा पावर डी सिल्डिनाफिल 50 अवेलेबल है, देन टेस्टोमेन और टेस्टोमेन 50 प्लस, ये प्रोडक्ट्स में से कोई एक ले जा सकते हैं। साथ में सपोर्टिव ट्रीटमेंट में हमारे पास सफ़ेद मूसली टैबलेट, स्टेमिना बूस्टर सिरप, सिलाजीत एक्सट्रैक्ट कैप्सूल एंड दवा इंडिया टेस्टोस्टेरोन बूस्टर टैबलेट अवेलेबल है। अगर डायरिया की कंडीशन है तो डायरिया में हम ओफ्लोक्सासिन ऑर्निडाजोल टैबलेट दे सकते हैं, दवा लैक बीसी सस्पेंशन दे सकते हैं, प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक सैचेट दे सकते हैं, ORS सपोर्टिंग ट्रीटमेंट में ORS पाउडर एंड डिपसिप ऑरेंज दे सकते हैं। मेंस्ट्रुएशन साइकिल पेन, अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल पेन की कंडीशन है तो वहाँ पे हम दवा स्पास टैबलेट दे सकते हैं, दवा टोन XT सिरप दे सकते हैं या वुमन केयर लिक्विड जूस सपोर्टिव ट्रीटमेंट में दे सकते हैं। अगर पाइल्स की कंडीशन है तो पाइल्स कंडीशन में हम दवा पाइल्स कैप्सूल दे सकते हैं, दवा लेक्स प्लस सस्पेंशन दे सकते हैं, दवा पाइल्स ऑइंटमेंट दे सकते हैं एंड पेंटोप्राजोल डोमपेरिडोन दे सकते हैं। अगर इसमें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो एसिक्लो पैरासिटामोल सेरोसोपेप्टिडेज भी आप दे सकते हो। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल एक्सटेंशन करना है तो ऐसी कंडीशन में हम नॉरिथेस्ट्रॉन टैबलेट दे सकते हैं। फिर स्ट्रेच मार्क, स्ट्रेच मार्क के लिए दवा इंडिया में स्ट्रेच मार्क क्रीम अवेलेबल है। फॉर ड्राई स्किन, ड्राई स्किन के लिए दवा इंडिया ड्राई स्किन फेस सीरम अवेलेबल है। ऑयली स्किन के लिए दवा इंडिया में दवा इंडिया ऑयली स्किन फेस सीरम अवेलेबल है। एंटी एजिंग के लिए हमारे पास दवा इंडिया एंटी एजिंग फेस सीरम, एंटी एजिंग क्रीम, सी बकथ्रॉन जूस एंड दवा इंडिया अश्वगंधा कैप्सूल, ये चार प्रोडक्ट अवेलेबल है, ये चारों आप एक साथ दे सकते हो। मेमोरी एनहांसर के लिए हमारे पास मेमोरी केयर टैबलेट अवेलेबल है और साथ में ब्राह्मी जूस भी दे सकते हो। ल्यूकोरिया की कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास सहियर सिरप अवेलेबल है। अगर कोई फर्स्ट एड किट मांगता है तो हम फर्स्ट एड किट में क्या क्या चीजें इंक्लूड कर सकते हैं, एक तो रेबीप्राजोल डोमपेरिडोन फॉर एसिडिटी, फिर एसिक्लोफिनेक पैरासिटामोल एंड सेरोसोपेप्टिडेज कॉम्बिनेशन आप दे सकते हो पेन किलर के लिए, एजिथ्रोमाइसिन एज एंटीवायरल दे सकते हो, एमोक्सिसिलिन क्लेविलेनिक एज एंटीबायोटिक आप दे सकते हो, ओफ्लोक्सासिन ऑर्निडाजोल स्टमक इन्फेक्शन के लिए दे सकते हो, दवालैक बीसी भी आप स्टमक इन्फेक्शन के लिए दे सकते हो, पैरासिटामोल 650 फीवर के लिए, दवालैक टैबलेट सर्दी जुकाम के लिए, दवा स्पास टैबलेट स्टमक पेन के लिए, ऑन्डेंसेट्रन 4 मिलीग्राम वॉमिटिंग के लिए, देन थर्मोमीटर अगर फीवर आए तो मेजर करने के लिए, सोडा लाइम एसिडिटी के लिए, दवा लॉन लिक्विड एंड कॉटन बैंडेज अगर कोई चोट लग जाती है तो उसको ठीक करने के लिए, दवा माइसिन वो भी अगर कोई चोट लग जाती है तो क्रीम लगाने के लिए दवा माइसिन दे सकते हो, कोला जेल अगर कोई बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो वहाँ पे आप कोला जेल लगा सकते हो, ORS डिपसिप पाउडर बैंडेड एंड जेड बाम अमृतावेद बाम या कोल्ड ड्रॉप में से आप जो चाहिए वो दे सकते हो। अब हम थोड़े से क्रॉस सेलिंग के एग्जांपल्स देखते हैं। अगर कोई थायराइड कंडीशन के पेशेंट है तो उसमें जो मेडिकेशन है वो तो जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी है वही आपको देना है, उसके साथ साथ आप थायरल केयर लिक्विड जूस एंड थायरल केयर टैबलेट दे सकते हो। अगर कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है
तो डायबिटीज़ में जो भी मेडिकेशंस डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी है वही आपको देनी है। इसके साथ साथ आप जांबू बीज कैप्सूल, प्रोटीन पाउडर शुगर फ्री, करेला जामुन जूस या डायबिटिक केयर जूस, ये दो जूस में से कोई भी एक देना है। डायबिटिक केयर कैप्सूल्स, साथ में शुगर चेक इंस्ट्रूमेंट एंड स्ट्रिप, शुगर नील गोल्ड टैबलेट या तो पाउडर में से कोई भी एक दे सकते हो, पनीर डोडी दे सकते हो एंड शुगर फ्री टूथपेस्ट दे सकते हो। अगर मीनोपॉज की कंडीशन है तो मीनोपॉज कंडीशन में आप वुमन मीनोपॉज जूस दे सकते हो एंड सहियर सिरप दे सकते हो। अगर कोलेस्ट्रॉल की कंडीशन है तो कोलेस्ट्रॉल में हम सी बकथ्रॉन जूस दे सकते हैं, कार्डियक केयर कैप्सूल दे सकते हैं एंड फ्लैक्सीड ऑयल सॉफ्ट जेल कैप्सूल दे सकते हैं। अगर हाइपरटेंशन की कंडीशन है तो मेडिकेशंस तो जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी है वही देनी है। साथ में आप बीपी मॉनिटर मशीन दे सकते हो, कार्डियक केयर टैबलेट दे सकते हो, रिलैक्स केयर जूस दे सकते हो एंड फ्लैक्सीड ऑयल कैप्सूल दे सकते हो जो सॉफ्ट जेल फॉर्म में है। फिर अगर अस्थमा की कंडीशन है तो अस्थमा की कंडीशन के लिए आपको अश्वगंधा, आंवला, गिलोय एंड तुलसी जूस अवेलेबल है। अगर यूरिक एसिड की कंडीशन है तो यूरिक एसिड के लिए हमारे पास सपोर्टिंग ट्रीटमेंट में लौकी आंवला जूस अवेलेबल है। आपके समय के लिए थैंक यू।